हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं ऐसे जबरदस्त दो आइडियाज लेकर आई हूँ जो आपके पूरी सर्दी सर्दी काम आने वाले हैं। बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर बड़े हों, सबके लिए ये आइडियाज बहुत ही काम आने वाले हैं। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, जरूर पसंद आएंगे, जरूर ही आप बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए, छोटे छोटे फैब्रिक हमारे पास बच ही जाते हैं और इसके लिए ना कोई सिलाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो सुई धागे से भी सिलाई कर सकते हैं। तो मैंने ना गत्ते का पीस लिया था और उस हिसाब से मैंने दो पीस कट कर लिए। पैर को रखकर या चप्पल को रखकर कर सकते हैं आप। फिर फॉर्म सीट लेनी है और उसी गत्ते के पीस को रखकर ना इसके हमें दो फॉर्म सीट के पीस कट कर लेने हैं इसी शेप के, पैर के हिसाब से। ये ध्यान रखना है कि आपको ना एक ही साइज के नहीं कट कर लेने, दोनों पैर के अलग अलग करने हैं। उसके बाद कपड़े के ऊपर रखिए। तो मैंने तो ये सोफा का कवर लिया है पुराना, और ये मैंने 6 पीस तो सोफा के कवर के कट किए हैं और 2 पीस लाइनिंग का कपड़ा। अब पहले 2-2 पीस ना अलग निकाल कर रख देंगे। अब जो हमने फॉर्म सीट का कट किया था उसे रखना है इसके ऊपर, और उसके ऊपर रखना है ये मेन पीस। सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। इसी तरह से दोनों पीस हमें तैयार कर लेने हैं, नीचे लाइनिंग वाला कपड़ा, बीच में फॉर्म सीट का और ऊपर मेन फैब्रिक। 2 पीस तैयार कर लेने के बाद में ये देखिए फॉर्म सीट अंदर है। उसके बाद में जो हमने 2-2 पीस अलग निकाल कर रखे थे ना, उन्हें भी हमने आपस में सील लिया है इस तरह से। इसमें फॉर्म सीट नहीं लगाई है हमने, हमने फॉर्म सीट इसी के अंदर लगाई है जो तला है। इसके अंदर फॉर्म सीट नहीं लगानी है, ये सिंपली लगाने हैं हमें। उसके बाद हमें क्या करना है, एक पीस रखना है नीचे की साइड, और ये ध्यान रखना है कि जो हमारी या तो एड़ी वाली साइड ही अंदर की तरफ रखी है या पंजे वाली साइड। तो मैं एड़ी वाली साइड है ना जो अंदर की तरफ रखूंगी, ये देखिए इस तरह से। और जो तले सील कर तैयार किए थे ना फॉर्म सीट, वो ऊपर रखना है और ये नीचे रखने हैं। अब जहां से भी ये इस तरह से इसके ऊपर आया हुआ है जो पार्ट, वो सील लेना हमें इसी तरह से। ये वाला इधर से इधर तक दोनों पीस इसी तरह से सील लेने हैं। अब ये हमने एक पाइप इन के लिए कपड़ा लिया है, तो इसमें से ना हमें तिरछी पट्टियां कट करनी है, तकरीबन 1.5 से 2 इंच चौड़ी। आपको जितनी मोटी पाइप इन लगानी है ना उसी हिसाब से कपड़ा कट कर लीजिए। तिरछी इसलिए करनी है ताकि इसमें ना लगाते समय इसमें प्लेट्स ना पड़ जाएं। ये देखिए हमने दोनों पीस सील कर रेडी कर लिए। उसके बाद लेनी है पाइपिन। पाइपिन को ना हमने सभी को अटैच कर लिया था एक साथ में। अब इसे हमें इधर से सीलना स्टार्ट करना है, और ये सीधी साइड ना हमें ऊपर रखनी है और पाइपिन को रखना है नीचे, ताकि हम इसे ना पलटें तो ये सीधी साइड आ जाए हमारी पाइपिन, और जो सिलाई है वो अंदर की तरफ दब जाएगी। तो इधर से सीलना है और इधर तक हमें सील कर इसे बंद कर देना है। उसके बाद हमें पाइपिन को अंदर की तरफ, मतलब कि सीधी साइड, क्योंकि हमने उल्टी साइड सीली थी ना ये, तो सीधी साइड पलटेंगे और एक सिलाई लगा देंगे पूरी पाइपिन के अंदर। आप चाहें तो इसे ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो ये पतली पाइपिन निकल कर आएगी, मुझे थोड़ी मोटी पाइपिन चाहिए थी। अब हमने जो पंजे वाली साइड है उसे ऊपर की साइड रखा है और एड़ी वाली साइड नीचे वाली साइड। अब इसे सुई धागे से सील कर हमें इधर ही टक कर देना है, मतलब कि इधर सुई धागे से ही सिलाई लगानी पड़ेगी क्योंकि मशीन तो इधर चल भी नहीं पाएगी। तो पूरा काम आप सुई धागे से कर सकते हैं। इसी तरह से हमें जो दूसरे वाला पीस है वो भी सील कर तैयार कर देना है। मैंने तो इनके लिए ना पुराने सोफे कवर का यूज किया है। आप चाहें तो बेड शीट, टॉवल या फिर आपके पास कोई भी ऊनी कपड़े रखे हो ना तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारी प्यारी सी स्लीपर्स बनकर रेडी हो गई हैं। अब इनमें थोड़ा सा लुक देने के लिए इसे मैं ये रिबन के फूल अटैच कर दूंगी ऊपर की तरफ ग्लू गन से। अगर ऊनी कपड़े से बनाते हैं ना तो उसके लिए तो हमें फॉर्म सीट और बुकरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका तो कपड़ा ही इतना मोटा होता है। तो ये देखिए हमारे प्यारे से स्लीपर्स बनकर रेडी हो गए हैं। तो मेरे स्लीपर्स तो पूरी सर्दी सर्दी काम आने वाले हैं, पहले से ही मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। आप भी जल्दी से बना लीजिए, बहुत सिंपल है बनाना ये देखिए, क्योंकि सर्दियों में ना घर में अंदर पहनने के लिए भी चाहिए होते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ। तो ये मैंने वही पीस है जो मैंने स्लीपर्स बनाने के लिए कट किए थे, गत्ते के पीस। अब इन्हें हमें फैब्रिक के ऊपर रखना है। ये थोड़ा सा ना ऊनी कपड़ा है, मेरे पास आया तो था ये टोपा बनाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि इनमें से अपने लिए जूती बनाकर तैयार कर लेते हैं। टोपा भी बन गया, वैसे थोड़ा ज्यादा ही था, तो उसके हिसाब से ना मैंने 2 पीस इसे कट कर लेने हैं इसमें से। ये थोड़ा सा ना स्ट्रेचेबल भी है,
तो पहनने में भी दिक्कत भी नहीं करेगा। इस तरह से दो पीस हमने तैयार कर लिए हैं और ये बीच में हमने फॉर्म सीट ली है और नीचे लाइनिंग के लिए कपड़ा कॉटन वाला कपड़ा लिया है, चाहे तो आप लाइनिंग के लिए ना टॉवल का भी लगा सकते हैं। अब इसे सील कर हमें इसी तरह से बंद कर लेना है बीच में फॉर्म सीट रखते हुए। तो दोनों पीस हमने इस तरह से सील कर बंद कर लिए, ये देखिए बीच में फॉर्म सीट रखकर और नीचे लाइनिंग का कॉटन का कपड़ा लिया है। अब इधर से हम नाप लेंगे तो ये 10 इंच इसकी लेंथ है, तो ये तो इसकी लेंथ है। अब चौड़ाई के लिए हमें पैर को इस तरह से नापना है 6 इंच और 2 इंच इसमें हम प्लस कर देंगे सिलाई के लिए ताकि आसानी हो पहनने में भी थोड़ा सा लूज रहे। तो लंबाई 10 इंच है और पैर को जो हमने नापा था चौड़ाई उसकी 8 इंच है। तो दो पीस लिए हमने कपड़े के, मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। ये तो हो गई इसकी चौड़ाई 8 इंच और ये हो गई इसकी लंबाई 10 इंच। अब हमें इसे फोल्ड करना है इधर की तरफ। देखिए ओपन साइड उधर की तरफ है और बंद वाली साइड हमारी तरफ है। अब बंद वाली साइड हमें एक निशान लगाना है 5.5 इंच पर ऊपर की साइड से, इधर 1 इंच पर और ऊपर की साइड भी 1 इंच, और इस निशान को हम आपस में मिला देंगे जहां तक हमने ये निशान लगाया है। इसके ऊपर ना मैंने चौक चला कर देखा था, कोई भी चौक नहीं चला, तो लेकिन समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से वीडियो में। इधर से हमें 1 इंच की गोलाई दे देनी है, ये एड़ी वाली साइड है और अब इसे कट कर लेंगे। पहले एड़ी वाली साइड से ही हम कट करते हैं ये गोलाई वाला। अब जहां से हमने 1-1 इंच पर निशान लगाया था, ये देखिए मैंने मार्कर से भी निशान लगाया है ताकि आपको समझ आ सके अच्छे से। ये हमारे दो पीस हो गए। इसी तरह से हमें दो पीस और कट कर लेने हैं। अब इसे उल्टा करना है और सीधी साइड है ना वो रखनी है हमें अंदर की तरफ। इसे इसके ऊपर रख लेंगे, कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हमें इधर की साइड सिलाई लगानी है और बाहर वाली साइड, और इसी तरह से हमें दो पीस सील कर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए दो पीस हमारे सिल कर रेडी हो गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना उसे हमने कट करके निकाल दिया था, और कोने पर हमें छोटे छोटे कट के निशान लगाने हैं और उल्टी साइड हमें इसे पलट देना है ताकि सीधी साइड है जो हमारी बाहर की तरफ निकल कर आए। कट लगाएंगे ना तो कोने अच्छे से निकल कर आएंगे। उसके बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है ताकि ये कपड़ा अच्छे से दब जाए। इसको भी सीधा कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से, और इधर सिलाई लगा देंगे दोनों के ऊपर। अब हमें इसे उठाना है इस तरह से और इधर सील कर बंद कर देना है, और इसी तरह से ये वाला पीस। अब लेना है हमें तले वाला पीस, मेन पीस है जो, ये उसके ऊपर सीलना है। तो पहले तो हम ना बीच में निशान लगा लेंगे सेंटर पर, फोल्ड करने के बाद में इसी तरह से इसे फोल्ड करना है और इधर एक निशान लगा लेना ताकि हमें ना पता चल जाए कहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। अब जो हमने इसके ऊपर निशान लगाया था उसे रखना है इसके ऊपर, और ध्यान रहे कि उल्टी साइड ऊपर की तरफ रहे, सीधी साइड अंदर की तरफ, ताकि हम इसे ना सीधा करें तो ये उल्टी साइड अंदर की तरफ चली जाए और सीधी वाली साइड बाहर की तरफ। दोनों पीस हमने सील कर रेडी कर लिए हैं, अब इन्हें सीधा कर लेते हैं। आप फॉर्म सीट की जगह ना बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉवल के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ना फॉर्म सीट का इस्तेमाल किया है क्योंकि धोने से भी ये खराब नहीं होती है। तो ये हमारी प्यारी सी जूती बनकर रेडी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के आइडियाज की सर्दियों में हर किसी को जरूरत पड़ने वाली है। और आप देश के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मुझे जरूर लिखकर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय। We'll be right back.